अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है 26th में फ्राइडे से, और आज मंडे है 29th में। और आज मैं इस व्लॉग को एडिट कर रही थी, लेकिन मैं कोई फ़ोटो मैंने अभी एडिट की थी तो उसे ना मैं गैलरी में सेव कर रही थी एसडी कार्ड में, तो वो हो ही नहीं रही थी। और स्क्रीनशॉट जब ले रही थी तो उसके फोल्डर में बता ही नहीं रहा था। फिर ना मैं परेशान हो गई कि क्या हो गया ये गैलरी को। तो फिर थोड़ा सा करने के बाद ना फिर गैलरी में ना फ़ोटोज़ आना स्टार्ट हो गए। फिर रीस्टार्ट वगैरह करने के बाद मैं तो डर ही गई थी, क्योंकि मेरा नया वाला फ़ोन है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। और खैर, 1 मंथ हो गया मैंने ना पूरे मई के महीने में कोई भी प्रॉपर व्लॉग आपसे शेयर किया ही नहीं, शायद एक भी नहीं किया। और बहुत कम मैंने व्लॉग्स आपसे शेयर किए हैं मई में, और शेड्यूल तो बिल्कुल भी नहीं थे वो सारे, बस 2-3 दिन के कंबाइन व्लॉग थे, क्योंकि मुझसे हो नहीं पाया, मैं थोड़ा बिजी भी थी मई के मंथ में, तो इसी लिए। एंड नेक्स्ट थिंग जो है वो है कि मैं जून के कोशिश करूँगी कि 1 जून से मैं फिर प्रॉपर ना व्लॉग्स अपलोड करूँ। तो अभी ना सुबह का टाइम था, तो यहाँ पे ना मैंने मेहंदी लगाई थी, दोपहर का टाइम था सॉरी, तो मैंने फ्रंट और बैक पे मेहंदी लगा रही थी मैं, और यहाँ पे सिस्टर ना वो मोबाइल यूज़ कर रही थी। तो ये देखें, बैक पे मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया है जो ना मैंने अभी आपको बताया था वो वाला, और फ्रंट पे ना ये वाला डिज़ाइन मैंने लगाया है। बताइएगा ज़रूर कि कैसा ये लग रहा है। खैर, मैं उतनी अच्छी तो नहीं डालती, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर लेती हूँ तो अच्छी आ जाती है। और अम्मी भी कहती है कि तुम डालती रहना, क्योंकि जो कोई भी चीज़ ना करते रहो तभी सही रहती है। कोई भी काम करते रहते हैं ना तो तब वो हम उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, उसकी स्पेशलिटी हमें मिल जाती है। लेकिन कोई काम करके छोड़ दो ना तो जितना आता है वो भी छूट जाता है। तो मैं ना कभी भी मेहंदी डालती हूँ तो एक साथ जब डालती हूँ तो वो अक्सर मुझसे ना रह ही जाता है, छूट जाता है, फिर मैं डालती ही नहीं। सिस्टर कहती है कि मुझे डालो, उन्हें वैसे भी मेहंदी का शौक़ है तो तुम्हारा हाथ भी ना बैठ जाएगा। लेकिन फिर मैं अपना सोचूंगी कि अम्मी को और सिस्टर को डालती रहूँ मेहंदी। और लंच में ना आज जुमा था, तो लंच में ये खुबूली बनाई थी, और सिस्टर ने ना ये बनाया था खुबूली, मिर्चों का सालन और ना अंडे बॉयल कर लिए थे, तो लंच और डिनर में वही था। और आज जुमा था तो मैं आपको कहती रहती हूँ कि यहाँ पर मस्जिदों के बाहर मिठाई वगैरह मिलती है, तो अबुआ जलेबियाँ लेकर आए थे, गुड़ और शक्कर की जलेबी। और ये शाम के टाइम पे ना हम लोग खा रहे थे ये ना मीठे आलू, यानी स्वीट पोटैटो, हाँ बॉईल करते हैं इसे शुगर के साथ, और ये सिरप के साथ में लगा कर खा रही थी, बहुत यम्मी होते हैं। और ये जो मैंने कहा था ना आपको कि मैं लोबे के वड़ियाँ या बढ़ियाँ जो भी कह लें, तो मैं वड़ियाँ या बढ़िया ही कह लेती हूँ, क्योंकि हम लोग बढ़िया ही कहते हैं। तो ये मैं बना रही थी, मतलब मैं नहीं, अम्मी और मैं मिलकर बना रहे थे। खैर, अम्मी ने ही ज़्यादा इसमें प्रोसीजर में हेल्प की, और अम्मी ने ही बनाया है इस टाइम, वरना 4-5 साल हो गए मैंने नानी से पूछ कर बनाई थी ये इतना, तो तब मैंने बनाया था। और ये देखे मेहंदी मैंने निकाल ली थी सूखने के बाद, तो इस तरह का ये लुक आया है, बहुत अच्छी लग रही थी। और रात के खाने का टाइम है ये, तो उसके लिए ना अम्मी ने भिगोने के लिए रखे थे ये जो इसके पील निकाल लिए थे, यानी छिलके निकाल लिए थे, निकाल कर आज 3 दिन बाद या 3-4 दिन बाद हम लोगों ने इसे भिगोने के लिए रखा है, क्योंकि ना अच्छे से ना सूखे नहीं थे, धूप नहीं थी, इसीलिए एक दिन के धूप में ना ये अच्छे से सूख जाते हैं वैसे। और 26 के बाद 28 मई का मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया है, बीच में मैंने स्किप कर दिया एक दिन, तो फ्राइडे के बाद ये डायरेक्ट संडे का व्लॉग है। तो मैं आपको बता रही हूँ, अभी ना बड़े अब्बू आए थे, तो बड़े अब्बू ना ये तबरुक देने के लिए आए थे उमरा का, तो मेरे जो बड़े अब्बू है ना, एक ही बड़े अब्बू है और एक चाचा है, तो बड़े अब्बू ना उमरा गए हुए थे, बड़े अम्मी और बड़े अब्बू गए हुए थे उमरा, तो वहाँ से ना तबरुकात लेकर आए हैं, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। ये इत्र है, और इत्र के साथ ना ये जो खजूर है और पानी है जमजम, क्योंकि अपना लिमिट लगाई गई है हमारे लोगों के एयरपोर्ट पर कि इतनी ही लिमिट का आप लोगों ने एक बंदा पानी ला सकता है, तो वो लिमिट ना उतनी ही लिमिट में पानी ला सकता है। पहले तो खैर बहुत लाया जाता था, कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन अब रोक टोक है। और ये तस्बीह ना बहुत अच्छी लगी मुझे,
ये सब ना वो वहीं से लेकर आए हैं। तो ये तस्बी देखें, बहुत प्यारी है, ग्रीन कलर की। और ये अब्बू और भाई के लिए ना टोपी लेकर आए हैं, ये नमाज वाली टोपी, और बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और ये एक पे ना इस तरह से काबा का थ्रेडिंग की गई है, मतलब कि थ्रेड से बना हुआ डिज़ाइन है, कोई पैच नहीं है इसके ऊपर स्टिक किया गया हुआ। तो इस तरह की टोपियाँ हैं, और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। तो ये टोपियाँ हो गई, और इसके बाद ना बड़े अब्बू ये स्कार्फ़ भी लेकर आए हैं। ये स्कार्फ़ देखें, ये अलहजाबाद का ना स्कार्फ़ है, और नमाज पढ़ने के लिए जो स्कार्फ़ लेते हैं ना वो है ये। तो ये देखें, तो इसे मैं आपको खोल कर बताती हूँ अभी, इसे खोल कर बताऊँगी आपको। तो अब्बू, बड़े अब्बू गए हुए थे 1 मई को उमरा, और फिर वो आ गए थे कुछ 5-6 दिन शायद हो गए हैं, तो तब वो आए थे, तो आज हमारे घर पे आए हैं। और ये देखें, ये वाला ना स्कार्फ़ वो एक लेकर आए हैं अम्मी के लिए, और नमाज़ पढ़ने के लिए ना वहाँ से लेकर आए हैं। और इसके साथ ही साथ ना पता नहीं इसका सर का कहाँ पर रह गया, मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो मैं सिस्टर को कही थी कि थोड़ा सा मुझे बता दें, तो मैं यहाँ पे वीडियो में ना कैप्चर कर लूँगी। तो ये देखें, ये है वो सर पे आने वाला पार्ट। और उसके साथ ही 2 दुपट्टे लेकर आए हैं बड़े अब्बू, इस तरह के ना दुपट्टे हैं नमाज वाले। ये सारी जो तीनों चीज़ें लेकर आए ना, पांचों चीज़ें नमाज़ के रिलेटेड ही हैं, क्योंकि वहाँ पर जाता है कोई भी बंदा तो अपनों के लिए या गैरों के लिए, दूसरों के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए, रिश्तेदारों के लिए ना नमाज़ की, इबादत की चीज़ें ही लाता है ज़्यादातर। तो ये सारी चीज़ें ना बड़े अब्बू लेकर आए थे, और सुबह में ही आए थे वो अपने नवासे के साथ, आप ही के लड़के के साथ आए थे। और ये ना फिर उसके बाद में पी रही थी ये, सुबह में नाश्ता तो कर लिया था, लेकिन लंच में ना मैंने यही खाया था, ये मारी गोल्ड है बिस्किट, ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला। और उसके साथ ना ये फ्रूटी मैं पी रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।